अगर मिलिटेंट शब्द का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आलोचना भी नहीं कर सकते, अगर आलोचना नहीं किया तो समर्थन नहीं माना जाए। दानिश कुरैशी का। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दानिश भाई ने जो बात बोली उसी से आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद है कि वो बौखला के एकदम बीच में नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ लोगों में योगी ही मिले थे जो एक योगी हैं इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इस तरह की बात। साहब, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन रज़ाकरों की पार्टी थी तो इसी साहब के दादा ने सिर्फ ऑल इंडिया लगा दिया लेकिन रज़ाकरों की पार्टी का नाम नहीं बदला, तो उनको भी कोई अच्छा नाम, राष्ट्रवादी नाम सोच लेना चाहिए था रज़ाकरों के नाम को छोड़ के, पहली बात। अब आगे चलते हैं। आपने अपनी इंट्रोडक्शन बाइट में कहा राकेश भाई कि मुसलमानों को हमने ये दिया, पसमंदा मुसलमान को ये दिया वो दिया। जिस दिन आप इस तरह की सफाई देने लगेंगे, आप ये मान लो कि आप फंस गए। इन लोगों को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। मोदी सरकार ने मुसलमानों में भी अगर मैं फर्क करूं तो पसमंदाओं को सबसे ज्यादा दिया, और अलग अलग टीवी डिबेट में अभी यहां पर भी मिल जाएगा, पसमंदा ही सबसे ज्यादा मोदी को गाली देते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों को सफाई कभी मत दीजिए कि तुमको ये दिया, तुमको वो दिया। अरे जो दिया बहुत दिया, तुम इसके लायक भी नहीं थे। इस तरह की भाषा के लोग इनको पसंद आती है। तीसरी बात, और ये क्या है, इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इस और इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को एक तो ये बात नहीं पता, ये अमेरिकन नाम जो आ रहा है, कि 2016 से लेकर 2019 तक अगर आप टीम से कहिए वो आंकड़े फ्लैश करेगा, लगभग 32 ब्लैक्स को मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिका की पुलिस ने सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के गोलियों से मारा है, जिसमें 14 साल के दो बच्चे भी थे जो प्लास्टिक की पिस्तौल लिए हुए थे। तो ये जो इंडो अमेरिकन ये नई बीमारी आई है इंटेलेक्चुअलिटी का नाम पर, वैसे तो हम मुसलमान दुनिया में कहीं खुश नहीं रह सकते, लेकिन इस इंडो अमेरिकन वालों का अगर कोई प्रतिनिधि होता तो बड़ा मजा आता। तो ऐसा है, अगर तुम सुन सकते हो इंडो अमेरिकन, तुम पहले अमेरिका में देखो कि कितने कालों के साथ क्या किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात राकेश भाई, जब 9/11 की घटना हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, तो इसी अमेरिका में जहां की ये इंडो अमेरिकन है, कोई पता नहीं कौन सी ये मुसलमानों की इंटेलेक्चुअलों की जाहिलों की टोली है, सरदारों तक को ये सोच के कि ये अफगानी पठान है, अमेरिका की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। आज आप बता दीजिए आप कौन है। बोल मत बोलिए। फिर बोला ये जाहिल के पेट में फिर दर्द हुआ। अरे अरे जाहिल कौन है, ये तो जनता तय करेगी रिजवान साहब। मगर आपको दिखाई देता है कि आप पैसे लेके कैसे मुखालफत करते हैं मुसलमानों की, कैसे उनकी बुराई करते हैं। अगर सरकार कोई स्कीम लाती है उनके लिए तो आप उसको रोकने का काम करते हैं। ये जनता जनार्दन देख रही है आपको। चुप हो जाओ। आप भी चुप हो जाओ। बहुत देर भाषण दे लिया आपने भी। चुप हो जाओ बच्चा। आप भी चुप हो जाओ। अब सुनिए राकेश भाई। अब आगे सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। बहुत लंबी कहानी। भारत जोड़ो यात्रा। नहीं एक मिनट, कहानी कहां पहुंच गई? एक मिनट, नहीं मैं तय करूंगा किसको कितना समय देना है। रुक जाइए ना, बिल्कुल मैं तय करूंगा। मुद्दे पे जाइए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल मुद्दे से बाहर बात कर रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। रुक जाइए। पूछे उनसे पहले भारत जोड़ो यात्रा। रुक जाइए। और ये कौन होते हैं जो स्कीम अगर किसी मुसलमानों को मिल रही है? रुकिए। ठीक है रिजवान भाई, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करूंगा। क्या जाहिलों के लिए जगह बना रखी है क्या? ठीक है। अरे आपसे बड़ा जाहिल तो कोई भी नहीं है राकेश भाई। नहीं ठीक है, 20 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करता हूं। अरे पसमंदा, अरे एहसान फरामोश पसमंदा। अरे आप एहसान फरामोश सरकार के दामन संग रह रहे हो, उनके पैसे लेके खा रहे हो और मुसलमानों को गालियां बक रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रिजवान साहब। सबसे ज्यादा मोदी का राशन तुम ही लोगों ने खाया है, चुप हो जाओ। अरे अरे हम नहीं खाते राशन, ना हमारे पास राशन कार्ड है, तुम्हारे पास ही होगा राशन कार्ड। हम तो बाहर हैसियत का मुसलमान है राकेश भाई। ठीक। अरे एहसान फरामोश पसमंदा। अरे आप एहसान फरामोश रिजवान साहब। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा,
20 सेकंड अनइंटरप्टेड है रिजवान भाई के पास, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुगलों के आगे तो मुगलों की तलवार से डर के तुमने कलमा पढ़ा था, चुप हो जाओ। अरे तो तुमने तो हिंदुओं का हिंदुओं के डर से कलमा पढ़ लिया। अरे तुमने तो हिंदुओं के होने से हिंदू बन गया। रिजवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है किसी की आवाज और नहीं। ठीक पसमंदा राकेश भाई, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरे देश से गुजर चुकी है, कहीं पत्थर चला, कहीं गोली चली, कहीं बम चला, कुछ नहीं हुआ ना। इस समय भारत सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण है और इससे बेहतर भारत नहीं हो सकता। ये बाईं तरफ जो दो एहसान फरामोश खड़े हैं, इन्हें तो हर हाल में मातम करना है, इनका तो काम ही रोना है। ये आज ही रोएंगे। अब ठीक है रिजवान जी।